Good morning students. How are you all? I hope you all are fine. You must be fine. Students, we were talking about Poets and Pancake. And in our last class, we discussed this lesson. In two videos, two parts, uh, we read the, uh, the text of this lesson. And today, the final part will be there before you. So we had read up to uh, here. We had read up to here we were reading this paragraph that the people that the people at gemini studios they had no political ideology people at uh, at people at uh, the uh, uh, gemini studios they had no political ideology and uh, but they thought actually they thought about the communist people that they were violent people दे हैड दे हैव नो कंपंक्शन 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 मीन्स होता है पछतावा करना फॉर इवन किलिंग देयर ओन पेरेंट्स और देयर चिल्ड्रेन सो दिज वर दिंग्स अबाउट कम्युनिस्ट पीपल क्वेश्चन इज हाउ डिड दे नो अबाउट कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पीपल कैसे जानते थे वो एक्चुअली एट द टाइम कम्युनिज्म जो है दैट वॉज स्प्रेडिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इन साउथ इंडिया साउथ इंडिया ऑल्सो इट वॉज इंक्रीजिंग एंड द पीपल्स थाट अबाउट कम्युनिज्म द आइडियाज वट पीपल थाट देवर डूइंग द राउंडस सो उसी हिसाब से इन्होंने भी सीख लिया सुन लिया बट दे डिड नाट हैव दे रोन आइडियोलॉजी जितने भी लोग जैमनी स्टूडियोज में काम कर रहे थे दे डिड नाट हैव एनी आइडिया अबाउट अबाउट पॉलिटिक्स दे डिड नाट इवन नो अबाउट कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी बट दे शोड as if they, uh, they, they had दे द पॉलिस ऑफ महात्मा गांधी दे वर्शिप Gandhi एंड दे वोर खादी ऑल्सो और इसका एग्जाम्पल आने वाला था कि इसका एग्जाम्पल जैसे हमने लास्ट लाइन पढ़ी थी कि द एविडेंस ऑफ इट वॉज़ फोर्थ कमिंग किस चीज़ का एविडेंस आने वाला था कि उन लोगों की अप, अपनी कोई समझ नहीं थी उन लोगों की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी पॉलिटिकल वो कम्युनिस्ट के बारे में भी जो कुछ जानते थे वो भी यहाँ वहां से सुन के जानते थे वो खुद से स्टडी करके वो नहीं उस चीज को जानते थे तो आगे इसको पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल क्या आने वाला था वैन फ्रेंक बुकान मॉरल री आर्मेंट आर्मी ये फ्रेंक बुकान प्रेजिडेंट हुआ करते थे अमेरिका के इन्होंने एक आर्मी बनाई थी जिसका नाम था एम आर ए ठीक है इस एम आर ए का नाम क्या था एम आर ए का मतलब था मॉरल री आर्मेंट आर्मी जब दुनिया में कम्युनिज्म फैल रहा था कम्यूनिजम फैल रहा था इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हर देश जो है कम्युनिस्ट कम्युनिज्म हो रहा कम्युनिस्ट हो रहा था तो अमेरिका ने जो कि कैपिटलिस्ट कंट्री थी फ्रैंक बुकानन ने एक आर्मी बनाई यानी एक लोगों को इकट्ठा किया जिसमें एक्टर्स होते थे एक्ट्रेसेस होते थे और वो लोगों को जाके समझाते थे प्लेज करते थे वो जो ना शोज़ करते थे और लोगों को समझाते थे कि जो कम्युनिज्म है वो सही नहीं है तो उस एक्चुअली वो एक मोमेंट था एक आंदोलन था एक काउंटर मोमेंट था यानी इंटरनेशनल कम्युनिज्म को लड़ने के लिए एक स्ट्रेटजी थी फ्रैंक बुकानन की जिसको उन्होंने नाम दिया था मॉरल रिया आर्मी का ठीक है तो ये मॉरल रियायर आर्मी पहुंच गई कहाँ पे सम 200 हंड्रेड स्ट्रॉन्ग विजिटेड दो तकरीबन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस दे रीच्ड मेड्रा समाइम्स इन नाइनटीन में वो पहुँच गए वहाँ पे दे कुड नॉट अ वॉर्मर होस्ट इन इंडिया दैन द जैमिनी स्टूडियोज़ यानी वो कहता है कि पूरी दुनिया में कहीं उनको अच्छा होस्ट नहीं मिला केवल एक मिला जैमि स्टूडियोज़ ने उसको होस्ट किया उनको जगह दी समाइम समन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस किसी ने कहा कि वो तो इंटरनेशनल सर्कस के लोग हैं दे वर नॉट वेरी गुड ऑन द ट्रेपेज ट्रेपज़ होता है वो जो सर्कस में यूज़ होने वाली जो रस्सियाँ होती हैं जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन पे कलाबाजियाँ खाते हैं जिनके ऊपर वो जो ना आइटम्स शो करते हैं जो उनके आर्टिस्ट होते हैं तो ट्रेपेस तो वो जानते नहीं थी एंड देर एक्वेंटन्स विद एनिमल्स वॉज ओनली एट द डिनर टेबल और उनकी जानकारी जो थी एक्वेंटन्स में जानकारी एनिमल्स की वो कहां डिनर टेबल तक थी यानी वो केवल खाना जानते थे वो सर्कस के लोग नहीं थे ठीक है देन बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर बड़ी प्रोफेशनल मैनर में दो प्ले उन्होंने किए वहां पे उसको नाटक कह सकते हैं देर जोथम वैली एंड द फोगोटन फैक्ट्री ये दो नाटक किए उन्होंने प्ले किए रैन सेवरल शोज़ इन मैड्रास एंड अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ़ द सिटी द जेमिनी फैमिली ऑफ सिक्स हंड्रेड सो द प्लेज ओवर एंड ओवर अगेन यानी बाकी लोगों के साथ में जेमिनी स्टूडियोज़ के 600 जो कर्मचारी थे सभी ने इन दोनों प्लेज को बार बार देखा ये शोज़ बड़े हिट हुए एयर लोग इसको देखने के लिए आए शोज किसने किए थे मोरल री आर्मामेंट आर्मी यानी एम आर ए किसने बनाई थी वो फ्रेंक बुकान ने वो बनाई थी द मैसेज ऑफ़ द प्लेज वर यूजली प्लान एंड सिंपल हॉमलीज जो मैसेज थे वो सिंपल थे सिंपल हॉमलीज मतलब सिंपल जैसे हम आम आमतौर पर बातें करते हैं सिंपल मैसेज थे जो दे रहे थे बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट एड जो सेट बनाया था उन्होंने जो सेट बनाया प्ले करने के लिए और जो उनके कॉस्ट्यूम थे वो फर्स्ट एड बहुत बड़े अच्छे थे बहुत शानदार थे बिल्कुल अलग थे वो मड्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्यूनिटी मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर्ड टेरिबली इम्प्रेस्ड बहुत इम्प्रेस हुए वो उसे। किसे? उन, उनके प्लेज से जो उन्होंने प्ले किए थे उनसे बहुत वो जो ना प्रभावित हुए एंड फॉर सम इयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज हैड सीन ऑफ सरमाइज सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोथम वैली यानी बाद में भी तमिल लोगों ने जितने भी प्लेज किए उनमें जोथम वैली की तरह उन्होंने सनराइज और सनसेट के सीन लिए यानी उन सीन्स को कॉपी किया उन्होंने जो जोथम वैली में दिखाए गए थे कौन से थे सनराइज और सनसेट के अ वाइट बैकग्राउंड स्टे कर्टन एक पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट रखा उन्होंने ए ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट और एक फ्लूट यानी बांसुरी की आवाज तो ये चीजें उन्होंने कॉपी की उससे और जो ना बाद के अपने प्लेज़ में भी इसको अडॉप्ट किया जो कि जोथम वैली और जोथम वैली में जो एम आर ए थे थी उसने जो प्ले किए थे उसमें जो यूज किए गए कि टेक्निक्स यूज गई थी वो इट वॉज समय लेटर कुछ साल के बाद दैट इट वॉज आई लर्ट मुझे पता चला दैट एम आर ए वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मोवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म यानी कई साल के बाद पता चला ऑथर को कि ये काउंटर मोवमेंट था एक आंदोलन था किसे लड़ने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिज्म से लड़ने के लिए एंड द बिग बॉसेस ऑफ मैड्रास लाइक एस मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स और बड़े बड़े जो बॉस थे मद्रास के मिस्टर वासन जैसे वो उनके हाथों में खेल गए किन के हाथों में एम आर ए के हाथों में खेल गए यानी उनको बेवकूफ़ बना दिया उनको किन्होंने उन्होंने एम आर ए ने यानी वो उनका स्टेज यूज़ करके चले गए उन्होंने ये भी नहीं बताया वो किस पर्पज़ से आए हैं पर्पज़ क्या था इंटरनेशनल कम्युनिज़्म से लड़ना वो पर्पज़ नहीं बताया उन्होंने लेकिन आए और जो जेमिनी स्टूडियोज़ स्टूडियो है उसका स्टेज उन्होंने यूज़ किया और उस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया और अपने शोज उन्होंने वहां पे किए यानी अपना प्रचार प्रसार वो करके चले गए और लोगों को पता भी नहीं चला कि ये लोग कम्युनिस्ट कम्युनिज्म के खिलाफ जो है कैंपेन कर रहे हैं केस sure, वो कहता कि आई एम नॉट श्योर कि शिकायत यही मामला हो श्योर भी नहीं है फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज बिग बॉसेस क्योंकि ये जो बिग बॉस थे इनका जो अनचेंजेबल एक एस्पेक्ट था एक इनका नेचर था क्योंकि बदले नहीं एंड देर एंटरप्राइज रिमेन द सेम वो ऐसे कैसे रहे एंटरप्राइज या उनकी जो उनकी जो हिम्मत थी वो सेम रही उनका जो काम था वो सेम रहा उनका जो नेचर था वो सेम रहा यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा एम आर ए और नो एम आर ए इंटरनेशनल कम्युनिज़्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म यानी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता ना तो एम से एम आए या ना आए कम्युनिस्ट आए या ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता यानी इनको कोई असर नहीं पड़ा एक्चुअली उस चीज़ का उनमें कोई चेंज नहीं आया द स्टाफ ऑफ जर्मनी स्टूडियोज़ हैड ए नाइस टाइम होस्टिंग टू हंड्रेड पीपल ऑफ़ ऑल ह्यूज इन साइज ऑफ एटलीस्ट ट्वेंटी नेशनैलिटीज़ यानी स्टाफ को जर्मनी स्टाफ को बड़ा मौका मिला बड़ा नाइस टाइम मिला होस्ट करने के लिए यानी कि मेहमान नवाजी करने के लिए करीब दो सौ जो लोग थे जो अलग अलग देशों के थे ट्वेंटी नेशनैलिटीज बीस अलग अलग नेशनैलिटीज के जो लोग आए थे उनसे मिलने के लिए उन लोगों के लिए तो इट इट वॉज वेरी सिंपल एंड उनके लिए कि गर्व की बात थी कि उन्होंने ऐसा किया उन्होंने उनको होस्ट किया वो इसी बात से वो ज्यादा खुश थे इट वॉज सच चेंज फ्रॉम द यूजल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स एक चेंज था जो यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स होता था यानी आमतौर पे जो भीड़ होती थी जो क्राउड शूटिंग होती थी उसमें तो वही भीड़ होती थी जो आमतौर पे होती थी उनका मेकअप करना केवल उन एक ही आदमी का एक ही क्राउड का बार बार मेकअप करना है ना इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैप्ड विद थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट यानी ऑफिस बॉय मेकअप डिपार्टमेंट में एक ही भीड़ जो एक ही तरह के लोग थे भीड़ के सीन के लिए उन्हीं का मेकअप करते थे उसके लिए भी एक चेंज था कि एक नए लोग आए दो सौ लोग नए आए जिन लोगों का मेकअप अलग अलग तरीके से रोज करना पड़ा यानी सम चेंज वॉज देयर अ फ्यू मंथ्स लेटर द टेलीफोन लाइन्स ऑफ बिग बॉसेस ऑफ मैड्रास बज्ड कुछ महीनों के बाद में फिर से उनको एक मैसेज मिला बड़े बॉसेस को एंड वंस अगेन वी एट जैमनी स्टूडियोज क्लियर द होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनादर विजिटर यानी एक विजिटर ओन आने वाला था जैमनी स्टूडियोज के अंदर स्टेज को क्लियर किया शूटिंग के लिए एक और आदमी आने वाला था एक गेस्ट और आने वाला था कौन था इस गेस्ट का किसी को पता नहीं था ऑल द सेट वॉज दैट ही वॉज अ पोइट फ्रॉम इंग्लैंड उन्होंने कहा ये इंग्लैंड से एक पोइट है द ओनली पोइट्स फ्राम इंग्लैंड द सिंपल जैमनी स्टाफ न्यू अगर किसी पोइट को जानते थे जेमिनी स्टूडियो के लोग तो कौन थे ऑफ हर्ड वर विलियम वर्ड्स एंड टेनिसन केवल और केवल वो विलियम वर्ड्स वर्थ और लॉर्ड टेनिसन को जानते थे इनके अलावा किसी वो पोइट को जानते ही नहीं थे द मोर लिटरेट वंस और ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग थे जेमिनी स्टूडियोज में वंस न्यू ऑफ कीट्स शले एंड बान ये शायद वो कुछ और ज़्यादा पढ़े लिखे जॉन किड्स को जानते होंगे उनके पी बी शैले के और बाइरन को जानते थे एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समन बाय द नेम एलियट यानी टी एस एलियट्स और कुछ एक दो उनमें से ऐसा भी होगा जो टी एस एलियट को जानता होगा यानी यहाँ पे ऑथर ये बताना चाहता है कि जर्मनी स्टूडियोज के अंदर किसी को नॉलेज नहीं थी इंग्लिश पोइट्स के बारे में बस उनको या तो जो है दो एक दो नाम पता थे या तो विलियम वर्ड्स का नाम पता था टेनिसन का नाम पता था कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को किड्स का या फिर का या फिर बैरन का नाम पता था और एक दो को जो है टी एस एलियट का नाम भी पता होगा यानी वो ये कहना चाहता है कि उनको किसी की जानकारी नहीं थी हु द द विजिटिंग स्टूडियोज नाउ अब यहाँ कौन आया ही इज नॉट अ पोएट ही इज एन एडिटर वो तो एक एडिटर है दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम बिग रिसेप्शन लोग बात करने लगे कि भाई वो पोइट नहीं है वो तो एक एडिटर है और इसलिए हमारा बॉस उसको इतना बड़ा रिसेप्शन स्वागत कर रहा है उसका वासन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल विकली आनंद विकटन क्योंकि वासन जो थे उनके बॉस वो भी एक मैगजीन के एडिटर थे मैगजीन का नाम था आनंद विकटन जो कि एक तमिल मैगजीन थी ही वॉजन द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नो नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मद्रास अब मद्रास के अंदर जितने भी पब्लिकेशन चलते थे मेन मेन उनका एडिटर तो वो था नहीं जो विजिटर आने वाला था जो गेस्ट आने वाला था दैट इज दोज नॉन ऐट द जैमिनी स्टूडियोज जितने भी जैमिनी स्टूडियो के लोग जितने भी मद्रास के अंदर ब्रिटिश मैगजींस को जानते थे उन मैगजींस का एडिटर तो वह था नहीं सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदूज वो टेकिंग द इनिशियटिव और चूँकि जो द हिंदू एक बड़ा अखबार है उसके जो टॉप मैन थे टॉप मैनेजमेंट के लोग थे वो पहल कर रहे थे इनिशियटिव ले रहे थे द सरमाइज इनिशिएटिव सर्माइज मतलब जो मैसेज जो भाषण होने वाला था वॉज दैट यहाँ पे सरमाइज का मतलब गैस वॉज दैट द पोइट वॉज द एडिटर ऑफ अ डेली बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन और लंडन टाइम्स लोग समझ गए कि भाई ये जो आदमी आने वाला है इस ऐसा गैस क्या लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि ये एडिटर है किसी डेली का डेली मतलब यहाँ पे मैगजीन का या न्यूज़पेपर का लेकिन ये मैनचेस्टर गार्जियन और लंडन टाइम्स का तो कम से कम नहीं है क्योंकि जैमनी स्टूडियो के लोग केवल इन दो अखबारों के बारे में जानते थे ब्रिटिश के एक द मैनचेस्टर गार्जियन और दूसरा द लंडन टाइम्स और उनको पता था कि उस उनका एडिटर एडिटर तो था नहीं दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड नो मतलब क्या है कि, कि किसी को नहीं पता था कि वो कौन अंदाज़ा ज़रूर लगा रहे थे कि भी कौन हो सकता है पोएट की बात आई तो उसका नाम किसी ने नहीं सुना क्योंकि उन्होंने तो नाम ही एक दो पोएट के सुने थे मैगजीन्स की बात आई एडिटर की तो जो मद्रास की मैगजीन्स थी ब्रिटिश की उनका एडिटर नहीं था वो अखबार की बात करें तो वो जो दो जिन अखबारों के नाम जमनी स्टूडियोज के लोग जानते थे उन अखबारों का एडिटर भी वो नहीं था मतलब कहने का ये है कि ही वॉज अन टू ऑल नो बड़ी न्यू कोई नहीं जानता था कि ये बंदा कौन है एट लास्ट क्या हुआ एट लास्ट एट फोर शाम को चार बजे इन द आफ्टरनून द पोएट और द एडिटर पोएट एडिटर अराइवड पहुंच गया वो शाम को चार बजे ही वॉज अ टॉल मैन वेरी इंग्लिश वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अनूल ऑफिस बहुत अंग्रेजी बोलता था सीरियस सा बनता था और सबके लिए अनॉन था क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं था बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडिस्टिल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज बैटलिंग विथ स्टेज के ऊपर तकरीबन आधा दर्जन लोग खड़े हो गए है ना तो उनको साइड में हटाते हुए बॉस ने जो ना मैसेज पढ़ा द बॉस ओ कौन एस एस वासन द बॉस रेड आउट ए लॉन्ग स्पीच बड़ी सी लंबी स्पीच दी उसके स्वागत में किसने दी एस एस वासन ने बॉस ने इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यूप्रेशियस लिटिल अबाउट द पोएट और द एडिटर और ये क्लियर हो गया था उसकी बातों से कि बॉस को भी बहुत मतलब uh, precious का मतलब क्या बहुत कम जानते थे यानी जब एस एस वासन ने अपना भाषण देना शुरू किया तो ये क्लियर हो गया कि वो भी नहीं जानते हैं उनको भी नॉलेज नहीं थी कि वो बंदा कौन है ठीक है तो उन्होंने एक लंबी सी स्पीच दी बहुत लंबी स्पीच दी आ, द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स एक कॉमन सी स्पीच दी उन्होंने बट हियर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी यानी एस एस वासन ने बॉस ने जो स्पीच दी वो एक कॉमन सी स्पीच थी लेकिन कहीं कहीं बीच बीच में फ्रीडम शब्द का यूज़ किया उन्होंने और डेमोक्रेसी शब्द का यूज़ किया देन द पोट स्पॉक उसके बाद पोएट का नंबर आया जो गेस्ट था ई कुड नॉट हैव एड्रस्ड अ मोर डेज इन साइलेंट ऑडियंस यानी वो इससे ज्यादा डेज्ड और साइलेंट ऑडियंस को एड्रेस नहीं कर सकते थे डेज़ का मतलब क्या है यहाँ पे सरप्राइज साइलेंट का मतलब क्या है चुपचाप इनएक्टिव कह सकते हैं हम लोग क्यों ऐसा कहा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि सब लोग तमिल स्पीकिंग थे रीजनल लैंग्वेजेज जानते थे अंग्रेजी किसी को आती ही नहीं थी और वो इंग्लिश था तो उसके सामने जो लोग थे वो बड़े ही जो ना डल थे इनएक्टिव थे और इससे ज्यादा डल और इनएक्टिव लोग उसको नहीं मिल सकते थे नो वन न्यू वॉट ही वॉज टॉकिंग किसी को नहीं पता वॉट ही वॉज टॉकिंग कारण भाई एंड हिज एक्सेंट डिफिटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज ट उसका जो एक्सेंट था ब्रिटिश एक्सेंट था जो लहजा था बोलने का उसकी वजह से कोई नहीं समझ पाया वो क्या कह रहा है द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर एक घंटे तक चलाइए पोएट लेफ्ट पोएट भी चला गया एंड वी और डिस्पर्सड इन अटर वेफलमेंट और हम भी जो है ना डिस्पर्सड हो गए इधर उधर हो गए भीड़ छट गई विद इन अटर वेफलमेंट मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए हम सब भी दुखी थे कन्फ्यूज थे परेशान थे सोच रहे थे कि कौन है अटर वेफलमेंट वाट आर वी डूइंग लोग सोच रहे थे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे वट इज़ दिन इंग्लिश पोइट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म ऑफ फॉर द सिंपलेसार्ट ऑफ पीपल लोग आपस में बातें कर रहे थे कि आदमी क्या कर रहा है इंग्लिश पोइट क्या कर रहा है यहाँ पे एक इंग्लिश मैन क्या कर रहा है जो अंग्रेजी में बोल रहा है हम तो तमिल या फिर रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर फिल्में बनाते हैं पीपल हुज़ पीपल हुज लाइव लिस्ट अफोर्डेड दैम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री यानी ये जो लोग थे ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे एक ऐसा टेस्ट कल्टिवेट करना मतलब ऐसा टेस्ट डेवलप करना यानी इंग्लिश पोएट्री के लिए टेस्ट डेवलप करना ये जैमनी स्टूडियोज़ के लोगों के बस की बात नहीं थी और वहाँ पे वो इंग्लिश पोइट क्या कर रहा था इंग्लिश पर्सन क्या कर रहा था द पोइट लुक प्रेडी बेफुलट पोएट भी बड़ा बेफुलट था उखड़ा हुआ था थोड़ा सा डिस्टर्ब था फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शीयर इन कॉन्ग्रिटी ऑफ इस टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड अनवेल्स ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट उसने भी महसूस की होगी अब इसने क्यों कहा कि उसने भी महसूस किया होगा शेयर इनकॉन्ग्रिटी का मतलब होता है स्ट्रेंजनेस उसकी जो स्पीच थी जो उसकी जो स्पीच थी जो वो दे रहा था वो बड़ी स्ट्रेंज थी उसकी जो टॉक थी अबाउट ट्रील्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट उसने भी महसूस की होगी कि एक अंग्रेजी बोलने वाले आदमी को भी कितनी दिक्कतें हो सकती हैं ट्रेवल्स मतलब प्रॉब्लम्स है ना यानी आज उसने महसूस किया होगा कि एक इंग्लिश बोलने वाले को भी दिक्कत आ सकती है उसको भी अपनी बात समझाने में दूसरों को परेशानी हो सकती है और यहाँ तो होनी ही थी क्योंकि सभी लोग रीजनल लैंग्वेज बोलते थे और वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहा था वो इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहा था इज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन मिनिस्ट्री मिस्ट्री और उसकी जो विजिट थी वो एक अनसुलझी हुई मिस्ट्री बन गई रहस्य बन गया किसी को नहीं पता कौन था वो जो पर्सन आया था कहाँ से आया था कौन बंदा था नोबडी अंडरस्टूड हिम so student you go through this part of the story and rest we will discuss again in next part we will read and we will complete in the next part thank you